वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या फिर कोई चुनावी संबोधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अलग अंदाज में नजर आते हैं। उनके कपड़ों में मैसेज भी छिपा होता है। आज गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी की पहली झलक ने सभी को हैरान कर दिया। उनके सिर पर काले रंग की उत्तराखंड की टोपी थी, इसके साथ ही वह गले में चेक वाला मणिपुर स्टॉल पहने हुए थे। देश भर में 26 जनवरी के दिन 73वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर आजादी से लेकर अब तक वीरगति को प्राप्त हुए देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने इस दौरान वीरों को भी याद किया, जिसमें 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके साथ ही उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खास अंदाज में तिरंगे को सलामी दी, मतलब सैल्यूट किया। उन्होंने जिस अंदाज में तिरंगों की सलामी दी, वह नौसेना को समर्पित था। नौसेना में सलामी हमेशा दाहिने हाथ के पंजे को थोड़ा आगे की ओर झुका कर दी जाती है। फिर इसके बाद पीएम मोदी ने दोनों हाथ झुका कर सलामी दी, जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया कि मोदी ने ऐसी सलामी क्यों दी। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शहीद जवानों को याद करते हुए ऐसा किया और ऐसी सलामी दी। राजपथ पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी गए। वहां उन्होंने सेना के जवानों को सलामी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित किया। आपको बता दें, तीनों सेनाएं अलग अलग ढंग से काम करती हैं, यहां तक कि तीनों सेनाओं का सल्यूट भी अलग है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।